नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तीन बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुराने समय में एक राजकुमार था। वह रातों को अक्सर भेष बदलकर सिर्फ एक सेवक को अपने साथ रखकर नगर की सैर किया करता था और संसार की विचित्र बात देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाया करता था। जब उसके पिता बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु होने पर वह राज गद्दी का मालिक हुआ, तो उसने अपने साथ अब उस युवक को नहीं रखकर मंत्री को रखा, किंतु उसने भेष बदलकर नगर का घूमना अब भी जारी रखा था। उसके साथ सेवक के बजाय अब मंत्री होता था। एक दिन इसी तरह नगर में घूमते हुए वह एक गली में जा पहुंचा। वहां एक मकान के अंदर से कुछ स्त्रियों की बातचीत सुनाई दे रही थी। वह कान लगाकर उस दरवाजे के पास खड़ा हो गया और दरवाजे की दरारों से झांक कर देखने लगा तो उसे एक दालान में तीन नवयुवतियां बातें करते हुए दिखाई दी। उनकी बातों से वे तीनों बहनें लग रही थी। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी अच्छी रोटियां खाने का शौक है। अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो जाए तो मजा आ जाए। मझली बहन बोली, मैं तो तरह तरह के खाना खाने की शौकीन हूँ। अगर मेरा विवाह बादशाह के बाबरची से हो जाए तो मजा आ जाए। छोटी बहन चुप रही। उनकी बहनों ने छोटी से पूछा तो उसने कहा, मेरा काम चाकरों से नहीं चलेगा, मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। मैं तो इतना चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे एक बेटा पैदा हो, एक ओर केस उसके सोने के हो और दूसरी ओर के चांदी के। जब वह बालक रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे, जब वह हंसे तो उसके होठों में कलियां खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन ये सुनकर हंसने लगी और बोली, तू तो हमेशा पागलों जैसी बातें करती है। बादशाह को इनकी बातचीत से जो बड़ा ही आश्चर्य हुआ, उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस घर को अच्छी तरह पहचान कर रखो, कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन राजा की आज्ञा का पालन किया और तीनों बहना को बादशाह के समक्ष लाकर पेश कर दिया गया। बादशाह ने देखा छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है। वह निगाहों से ही बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देखकर मुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने कहा, तुम लोग कल रात को अपने दलान में बैठी हुई क्या बातें कर रही थी? ठीक ठीक वही बताना जो तुमने कहा था। खबरदार, एक शब्द भी अगर गलत बोला तो देख लेना। याद रखो तो, तुम्हारी बातें कल मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। ये सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रही। लज्जा और बह के कारण उनकी जबान बंद हो गई। पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भूली कुछ भी नहीं हो, निडर होकर बताओ कल रात आपस में क्या बातें कर रही थी। तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही थी, मैं केवल अपने सामने एक बार फिर से तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करना होता है, इसीलिए जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। हाँ, ख्याल रहे, तुम लोग वही कहना जो तुमने कल रात को कहा था, बयान बदला नहीं जाए। मजबूर होकर तीनों ने एक एक करके बताया कि पिछली रात वह क्या कह रही थी। बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपने नानबाई और बाबरची को बुलवाया और नानबाई को बड़ी और बाबरची को मझली बहन का हाथ पकड़ा दिया और कहा, इन लोगों को बढ़िया रोटियां और सालन खिलाते रहना। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुलाकर इनका निकाह भी करवाना है, करवा दिया जाए। छोटी के लिए कहा, जैसी इसकी इच्छा थी इसके साथ मैं ही विवाह करूंगा।
यह विवाह पूरी शाही शान शौकत से होगा, उसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी को ब्याह रहा हूँ। मेरी शादी की इसी समय से तैयारियाँ शुरू कर दी जाएं। ये कहने के बाद वह उठकर राज दरबार को चला गया। बड़े ही जोर शोर से जो राज छोटी बहन के विवाह की तैयारियाँ होने लगी, मैजली बहन की शादी और बड़ी बहन की शादी भी नानबाई और बाबरची के साथ हो गई। छोटी का विवाह पूरी धूमधाम से बादशाह के साथ कुछ दिन बाद हुआ और उसे शाही जनाने खाने में पहुंचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बड़ी जलन हुई। वे सोचती थी और आपस में कहा करती थी कि छोटी तो एक बात मुंह से निकालने पर ही उसे तो राजपाट मिल गया और हम लोग उसकी तरह से एक तरह से जो नौकरानियां ही बन गई है। एक दिन बड़ी ने मैजली से कहा, ये छोटी ऐसी कौन सी होर की परी है जो इसे बादशाह से विवाह कर लिया। मुझे तो इस बात का बड़ा बुरा लग रहा है। मंजली बोली, बुरा तो जी जी मुझे भी लग रहा है, इसलिए बादशाह ने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे मलिक का बना लिया। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें करता है। मेरी समझ से तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी ये देखकर आश्चर्य होता है कि बादशाह की क्या आंखें फूट गई थी जो उसने उस चुहिया को मलिका बना लिया। उससे तो तुम हजार दर्जे अच्छी हो। फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कुड़ने और एक दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा, किसी तरह उसे खत्म कर दिया जाए या बादशाह की निगाहों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में नहीं आता था कि इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, पर यह ठीक बात नहीं थी। जब वे दोनों छोटी बहन से मिलने जाती तो वह उनकी हैसियत का ख्याल नहीं करती, बल्कि बहनों से इस तरह अपने पम से और अपनी बहनों की इज्जत करती और कभी भी उन्हें ऐसा ना लगे कि वह उन्हें नीचा दिखा रही है। वह अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी। सभी लोग जानते थे कि दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उसकी बहन रानी है। बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों को क्यों खातिर में लाता। कुछ महीनों बाद रानी को गर्व रहा। ये सुनकर बादशाह को बड़ी खुशी हुई। अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा कि हमें इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई है कि तुम जो माँ बनने वाली हो, हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उसके 40 दिन बाद तक तुम्हारी देखभाल हम पूरी तरह से अच्छी तरह से करें। मलिका ने कहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुम दोनों तो मेरी माजाई बहन हो, तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन करेगा। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन बादशाह के सामने पेश कर दो, आशा है वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो बादशाह ने कहा कि मलिका से पूछकर ही यह जो तुम्हें बताएंगे। उसने अपनी मलिका से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि उसने तो पहले ही उनके मन की बात जान ली थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ से मैं भी यही बात ठीक रहेगी। वे कुछ भी हो है तो तुम्हारी बहन गैरों से तो अधिक अच्छी है, अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करेंगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मलिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें अब महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता को जो दिखाने का पूरा अवसर मिल गया। जब मलिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने सारी दासियों को वहाँ से हटा दिया। मलिका ने एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों की डाहा और बड़ी, उन्होंने चुपचाप आप उस बच्चे को महल के बाहर पहुँचा दिया और एक मरा हुआ पिल्ला लाकर रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में रखा और एक नहा नहर में बहा दिया और महल में आकर दासियों को दिखाया कि मलिका ने तो मरा हुआ पिल्ला जना है। सब लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसका क्रोध से बुरा हाल हो गया। वो कहने लगा,
ऐसा मरा पिल्ला जनने वाली रानी का मैं क्या करूँगा? मैं तो उसे मरवा दूंगा। संयोग से मंत्री भी वहीं मौजूद था। उसने समझा बुझाकर बादशाह को, जो बादशाह का शांत किया, जिस नहर में ईर्ष्या के कारण बहनों ने बच्चे वाली टोकरी बहाई थी, वह शाही बागों के अंदर से जाती थी। सारे शाही बागों के जो व्यवस्था थी, यानी बागों का जो दरोगा था, उसका स्थान उसी नहर के किनारे था। उसने नहर में टोकरी बहते हुए देखा तो एक माली से कहकर उसे निकलवाया, क्योंकि नहर में इधर उधर की चीजें नहीं आनी चाहिए थी। जब उन्होंने टोकरी को बाहर निकाल कर देखा तो एक अत्यंत सुंदर बालक था। दरोगा ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि टोकरी में रखा बच्चा नहर में कैसे आ गया, लेकिन उसने अधिक सोच विचार नहीं किया, और क्योंकि वह निपुता था, उसके कोई औलाद नहीं थी। अब वह दरोगा बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गया और कहा, भगवान ने ये बच्चा हमें दिया है। उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बच्चे को अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगी। दूसरे वर्ष मलिका ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने ऐसी ही दुष्टता की, बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में बहा दिया और मलिका के नीचे एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। महल में फिर मातम सा छा गया और बादशाह का क्रोध फिर आसमान छूने लगा और उसने मलिका का वध कराने की बात फिर कही। इस बार भी वही बुद्धिमान मंत्री जो वहीं पर मौजूद था, उसने भी राजा को समझा बुझाकर मलिका को मारने से रोक दिया। मलिका पहले से अधिक अपमान की स्थिति में रहने लगी। इधर जिस टोकरी में बच्चा रखा गया था, वह फिर बागों के दरोगा के हाथ लगी। वह इस बच्चे को भी पहले की भांति पालने लगा। कुछ दिनों बाद मलिका को फिर से जो गर्व गया। बादशाह को आशा थी कि इस बार की संतान ठीक ठाक होगी, लेकिन दोनों दुष्ट बहनें अब भी वहाँ मौजूद थी। उनके मुंह तो खून लग चुका था। इस बार मलिका के बेटी हुई। मलिका की बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया। उस टोकरी को भी बागों के दरोगा ने निकलवा लिया और ईश्वरीय देन समझकर उसका भी पालन पोषण करने लगा। उधर दुष्ट बहनों ने ये फैला दिया कि मलिका ने सुंदर जना है। इस बार बादशाह अपना क्रोध बिल्कुल नहीं संभाल पाया और उसने कहा, ऐसे जीव जंतुओं को पैदा करने वाली रानी से बदनामी होगी, इसे जरूर मरवा देना होगा। दयालु मंत्री ने उनके पैरों पर गिरकर कहा, हे राजन, आप कुछ न्याय अन्याय का विचार करें। इसमें रानी का क्या अपराध है? आपकी बदनामी वाली बात तो ठीक है, तो इसके लिए ये करें कि मलिका के पास जाना छोड़ दें। बादशाह ने कहा, तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं सजा जरूर दूंगा। और राजा भी ने कहा कि ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकारक होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुलाकर कहा कि जामा मस्जिद के ठीक सामने कैदखाना बनाओ और उसका द्वार खुला रहे, और मलिका को एक लकड़ी के पिंजरे में उसमें जो कैद करके बंद कर दिया जाए, वहाँ एक शाही फरमान लगाया जाए, जो भी नमाज पढ़ने आए, मस्जिद में जाने से पहले मलिका के मुंह पर थूक कर जाए। जो आदमी ऐसा नहीं करे, उसे भी वही सजा दी जाएगी जो मलिका को दी जा रही है। मंत्री यह सुनकर चुप रहा, लेकिन सोचने लगा, मलिका को जो सजा दी जा रही है, वह उसके योग्य तो उसकी बहनें हैं। खैर, बादशाह ने जिस तरह कहा था, उसी तरह का कैदखाना और पिंजरा तैयार किया गया। मलिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते और नमाज से पहले मलिका के मुख पर थूका जाता। उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता कि वे निर्दोष मलिका को दंडित कर रहे हैं, लेकिन क्या करते? बादशाही आदेश था और दंड का भय भी। बेचारी मलिका की मलिका भी ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह रही थी। उसके पुत्रों,
और पुत्री को जिनके जन्म से भी वह अभिनग थी बागों का दरोगा और उसकी पत्नी बड़े प्यार से और सावधानी से पाल पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देखकर उन लोगों को अपार हर्ष होता था। वे कुछ बड़े हुए तो दरोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन और छोटे बेटा का नाम परवेज रखा, लड़की का नाम परिजाद रखा। जब वे लोग कुछ और बड़े हुए तो बागों के दरोगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती। हरी जात जो भी बुद्धि में अपने भाइयों से बिल्कुल कम नहीं थी, विभिन्न विषयों और उन्हीं की भांति वह भी उनमें पारंग हो गई। तीनों ने काव्य, इतिहास, गणित आदि सभी प्रचलित भाषाएं सीखी और सभी विद्याएं सीखी। तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके जो गुरु कहने लगे कि यह लोग तो कुछ ही दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे, इन्हें तो कोई बात सीखने की देर ही नहीं लगती। लिखने पढ़ने के अलावा उन्होंने घुड़सवारी, धनुष विद्या और शस्त्र संचालन आदि की शिक्षाएं भी ले ली। जल्दी इनमें भी वे प्रवीण हो गए। इसके अलावा परिजाद ने गाना और वाद वादन की भी सीख लिया। दरोगा का ख्याल तो पहले भी था कि ये लोग शाही महल में जन्मे होंगे। अब उन्हें विश्वास हो गया। उसे अपना छोटा सा घर उनके रहने के लिए जो उपयुक्त नहीं लगता था, उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनाना शुरू किया। दरोगा ने अपनी देखरेख में वह भवन बनवाया और जब वह तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर जो अच्छी अच्छी कला, कीर्ति और कलाकारों के द्वारा बड़े बड़े सुंदर चित्र बनवाए और महल को हर प्रकार की सुंदर और मूल्यवान सामग्रियों से सजाया गया। उनके पास ही उसने बड़ी मनोरम पुष्प वाटिका बनाई जहाँ के जहाँ लोग मन बहलाया करें। इसके अतिरिक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र गिरवाकर उसमें बहुत से जंगली जानवर रखवाए ताकि लोग घर के समीप ही शिकार खेल सके, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शिकार एक अच्छी कसरत है। महल में बन जाने पर दरोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया है, आपकी अनुमति हो तो मैं बाग के छोटे से मकान को छोड़कर नए मकान में रहूं। बादशाह उससे खुश था, इसलिए उसने तुरंत अनुमति दे दी। इससे कुछ वर्ष पूर्व दरोगा की पत्नी का देहांत हो गया। महल बनवाने में उसका कुछ उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था, किंतु महल बनने के कुछ महीनों बाद ही वह दरोगा अचानक बीमार होकर मर गया। उसने काफी धन दौलत छोड़ी थी और उन तीनों को जीविका की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसकी अचानक मौत से उन तीनों बहन भाइयों को बड़ा दुख हुआ। अंत समय में वह इन तीनों से इससे अधिक कुछ ना कह सका कि आपस में मिलजुल कर रहना। उसके मरने पर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन भाई मिलकर रहने लगे। दोनों भाइयों को एक प्रतिष्ठित राजपद भी मिल गया, फिर भी उनकी बादशाह से भेंट नहीं होती थी। एक दिन दोनों शहजादे शिकार खेलने को गए। परिजात घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी दो एक दासियां उसके साथ थी। उसी समय एक धर्म जो वृद्धा थी, वह बहुत बूढ़ी थी, वह वहां आकर कहने लगी, बेटी आज का समय है, अनुमति दो तो अंदर आकर नमाज पढ़ लूं। परिजात ने तुरंत अनुमति दे दी। जब वह नमाज पढ़ चुकी तो परिजात के इशारे पर दासियों ने उस बुढ़िया को सारा महल दिखाया। इससे खुश होकर उसने कहा, निसंदेही जिसने यह महल बनवाया है वह अपने कार्य का विशेष जग था। मकान दिखाने के बाद दासियों ने उस बुढ़िया को परिजात के पास ले आई। परिजात ने कहा, बैठिए आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला का साथ करके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। बुढ़िया ने नीचे फर्श पर बैठना चाहा, लेकिन परिजात ने उसे खींचकर अपने तखत पर अपनी बगल में बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, मालकिन मेरी आपके साथ बैठने की हैसियत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका अनुरोध टाल भी नहीं सकती, इसलिए बैठ रही हूँ।
परिजात बुढ़िया के से जो उसके गांव परिवार आदि के बारे में बातें करने लगी। कुछ देर बाद परिजात की दासियों ने जलपान उपस्थित किया, जिसमें तरह तरह की रोटियां, हरे फल, सूखे मेवे, नान कुलचे थे, कई प्रकार की मिठाइयां भी थी। परिजात ने कई चीजें अपने हाथ से उठाकर उस बुढ़िया को दी और कहा, अम्मा अच्छी तरह पेट भरकर खाओ, बहुत देर से अपने घर से चली हो, थक भी गई होंगी और रास्ते में कुछ खाया भी नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम जुग जुग जियो, इतनी सुशील कोई अमीर जादी हो सकती है? ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं धनु, ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुमने इतने प्यार से, इतने आदर से कह रही हो तो मैं खुशी से इन्हें खाऊंगी। मैं इसे भगवान की दया समझती हूँ, उसने मुझे तुम्हारा घर दिखाया। नाश्ता करने के बाद परिजात ने बुढ़िया से और भी अधिक बातें की, क्योंकि वह कई विषयों की जानकारी उसे मालूम हुई होती थी। उसे बुढ़िया से धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में कई प्रश्न पूछे, जिनका उसने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया। फिर परिजात ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा मेरे महल और बाग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटी ये प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है, मैं कहूँगी तो तुम कहोगी कि ये तो दो टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालती है। परिजात ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वो मुझे जरूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बुढ़िया ने कहा, यहाँ सब कुछ ठीक है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर तीन चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग आदित्य हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना कठिन है। एक तो बुलबुल हजार है, वह बोलता है तो हजारों चिड़िया जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा एक गाने वाला पेड़ है, उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं, जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है, इस संगीत को हर कोई सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है वह सुनहरा पानी, उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फवारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता है। परिजात बोली, अम्मा तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो ये भी जानती होंगी यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं, मुझे बताओ, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी मैया ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ इस देश में कहीं भी यह चीजें मिल सकती हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए और सीधा चलता जाए तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि ये तीनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, बुढ़िया कहने लगी, अब मुझे काफी देर हो गई है, अब मैं चलूंगी। बुढ़िया को क्या मालूम था कि परिजात इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। परिजात ने उसकी बताई हुई एक एक बात याद रखी, वह इस चिंता में पड़ गई कि ये तीनों चीजें कैसे भी प्राप्त की जाएं। कुछ देर बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन तो गहरी चिंता में डूबी हुई है। उन्होंने कहा, क्या बात है परिजात, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई? परिजात ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बहमन ने कहा, ये तो तुम झूठ बोल रही हो, कुछ ऐसा तो जरूर है जो तुम्हें दुख दे रहा है, अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब परिजात ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए अड़े हुए हैं, तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती कि
जो मैं कहूँगी उन्हें तुम सुनकर तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। जब तुम जिद कर रहे हो तो बताए देती हूँ, हमारे पिता ने यह मेल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ से उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई चीज यहाँ लाने में कसर नहीं छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आज मुझे तीन चीजों के बारे में मालूम हुआ, अगर यहाँ वे तीनों चीजें आ जाएं तो हमारा महल अद्वितीय हो जाएगा। शहजादों ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है वे परिजात? तो परिजात बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला बुलबुल हजार दास्ता है, जिसका संगीत सुनने और जिसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा गाने वाला पेड़ है के पत्तों से रगड़कर रगड़ खाने से संगीत निकलता है। तीसरा सुनहरा पानी है जिसकी एक बूंद से ही कभी खत्म नहीं होने वाला फुआरा बन जाता है, और मैं इसी चिंता में हूँ कि उन्हें कैसे प्राप्त करूँ। बहमन ने कहा, अगर तुम ये बता दो कि ये कहाँ और किस दिशा में मिलेंगी तो कल सुबह ही मैं रवाना हो जाऊंगा। परवेज ने उसे देखकर कहा, भैया तुम्हारी बुद्धि और बल में संदेह कतई नहीं है, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रहकर यहाँ के कामकाज संभालो। वो मन बोला, साहस और बुद्धि तो तुम में भी कम नहीं है भाई, लेकिन मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस मामले में आगे मुझे को होना चाहिए। दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठ गया। अब परिजात उसे देखकर रोने लगी और बोली, भैया मैं बड़ी दुष्ट हूँ जो अपने जरा से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ, अब कभी इन तीनों चीजों में से एक का भी जिक्र नहीं करूँगी। तुम मत जाओ, बहमन ने कहा, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता बहन। अगर मैं ये सफर नहीं करता तो हमेशा मेरे दिल में ये खटक रहेगी कि मैं काया हूँ। और बहमन ने अपनी बहन को एक खंजर दिया और कहा कि जब तक ये खंजर ठीक है मैं सकुशल हूँ, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदे टपकने लगे तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूँ। ये सुनकर परवेज और परिजाद और अधीर हो गए और बहमन से कहने लगे कि ऐसी खतरनाक यात्रा ना करो, लेकिन बहमन ने उनकी बात नहीं सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया। वह मन सीधी राह पर लग गया, उसने ध्यान से कहीं दाएं बाएं ना मुड़ा जाए, और फारस की राजधानी से 20 दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था, आगे जाऊं या ना जाऊं। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा सा बना हुआ था, उसके बाहर एक बूढ़ा बैठा हुआ था जिसे ध्यान से देखने पर महसूस होता था कि वह कोई आदमी है। आदमी बैठा है, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, उसके सर दाढ़ी मूंछे और बह के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत बड़े हुए थे और कीलों की तरह मालूम होते थे। उसके शरीर पर एक लंबी टोपी खड़ी हुई थी, उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था, उसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। बहमन ने देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी सिद्ध है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बगैर खाए पिए रहता है। वह मन को तलाश थी उस स्थान की, कोई आदमी मिले, क्योंकि वहाँ पहला मिलने वाला उसे ही उसके स्थान का पता बता सकता था। वह ये भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहाँ यही मिल सकता है, और यह भी संभावित है कि ऐसी दुर्लभ वस्तुओं का पता किसी तपस्वी को ही होगा। बहमन घोड़े से उतरा और उसने उस वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। बहमन को उस जगह से जहाँ वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी, किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूंछ और दाढ़ी के घने बालों से बूढ़े सिद्ध का मुख इस तरह बंद हो रखा है कि उसकी आवाज घुटकर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा
और तपस्वी के पास आ गया, अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आई, अगर आप अनुमति दे तो मैं तुम्हारी भोए और छाट दूं। इसके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है, इनके कारण। इसलिए तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी। बहमन ने उनकी भो और मूछों को काट डाला। तपस्वी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। शहजादा बहमन बोला, तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि हजामत के बाद यही नहीं हुआ कि तुम रीच के बजाय आदमी लगो, बल्कि तुम बूढ़े के बजाय जवान भी लगने लगे हो। तपस्वी इस प्रकार की बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। अब बताओ कि इतनी दूर किस लिए आए हो तुम, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूँ वह करूँ। बहमन बोला, तपस्वी जी, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्ता गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूँ। आप कृपया करके मुझे बताएं कि वो वस्तुएं मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ये सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता, मैं किसी और से पूछ लूंगा। तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम है पुत्र, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा कि यहाँ जहाँ चीजें हैं, वहाँ का मार्ग बड़ा ही कठिन है। तुम्हारी तरह बीसियों आदमियों ने वहाँ जाने की राह मुझसे पूछी है, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। बहमन ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ, मुझे अपना कार्य पूरा करना है, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल होकर मैं कायरों की तरह जीना नहीं चाहता। अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका, जिसकी मौत आई होगी वही मेरी राह में रोड़ा अटकाने आएगा। तुम केवल इतनी कृपा करो, मुझे राह बता दो, आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि मैं तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूँ, आप मुझे वहाँ जाने वाला राह तो बताइए। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब देखा कि बहमन किसी तरह अपनी जिद छोड़ता नहीं, नजर नहीं आ रहा, तब तक रहा नहीं मालूम कर लेगा, हरगिज नहीं टलेगा, तो उसने अपने झोले से गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जो जिंदगी का अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिंद पकड़ ली है तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम सवार होकर इधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो, ये गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे पीछे चली जाना। जब तक ये लुढ़कती रहे तब तक तुम चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी, वहाँ तुम रुककर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना, ताकि वह वहीं ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ पर चढ़ना, तुम अपने दोनों और काले पत्थर जो काफी अधिक मात्रा में देखोगे उन पर ध्यान मत देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द और धमकियां तुम्हें सुनाई देंगी। ये बहुत जरूरी है कि तुम इन गलतियों को जो अनदेखा कर देना। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलने वाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह उन तीनों चीजों की खोज में जाने वाले आदमी थे।
पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए। अगर तुम कुशलता पूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी डरना नहीं और उसने गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी यह चीजें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने ये सब तुम्हें जरूर बता दिया है, लेकिन अब भी मैं यही कहता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूँ तुम वहाँ तक नहीं जाओगे, काला पत्थर बनकर रह जाओगे। बहमन ने कहा, अब जो होगा सन्यासी महाराज वह तो होकर ही रहेगा, मैं पीछे तो लौटता नहीं। ये कहकर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी को दी, जो तपस्वी ने दी हुई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कते हुए आगे चली। काफी दूर चलने पर गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर जाकर रुक गई। ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। उसके आगे चार पांच ही चला होगा कदम की, पीछे से बड़ी ही अप्रिय आवाजें आने लगी। कोई आवाज होती है, कौन बेवकूफ आगे जा रहा है, पकड़ो इसे अभी। कभी आवाज आती है, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कभी चीखती कभी गरजती आवाज आती, वह जा रहा है चोर खूनी बदमाश, इसे घेर लो। कभी हल्की सी आवाज आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, बोलती चिड़िया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता कि यह वहां पहुंच कहां से पाएगा, रास्ते में खड्डे में गिरकर मर जाएगा। पहले बहमन ने इन आवाजों की उपेक्षा की, फिर अपनी राह पर बढ़ता चला गया, किंतु यह आवाजें कम होने के बजाय कदम कदम पर तेज होती गई। उसके कानों के पर्दे फटने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वो उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डरकर उसने पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह घोड़ा और दोनों बहमन काले पत्थर के रूप में बदल गए। अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो खंजर बहमन ने परिजात को दिया था उसे रोजाना मयान से निकालकर वह देखती थी। जिस दिन बहमन काला पत्थर बन गया उस दिन भी जो उस खंजर से खून टपकता हुआ दिखाई दिया तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वह बुढ़िया आई थी, ना वह आती और ना ये झंझट होता। मक्कार ने मुझे बेकार के लालच में डाल दिया। मैंने उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया और उसने मुझे इसका ऐसा बदला दिया। अब मिले तो मैं उस कलमही की बोटियां नोच लूं। मेरे प्यारे भाई की जान उसी के दिलाए लालच के कारण गई है। हे भगवान, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया ना रहे तो मैं चिड़िया और पानी का पीकर भी क्या करूंगी। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। परिजात बहमन की बातों को याद करके देर तक रोती रही। परवेश भी आंसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, परिजात अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब मैं जो कहता हूँ वह करो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा होगा, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। परिजात ने बहुत समझाकर उसे रोका, परंतु वह नहीं रुका। वह बोला, मैं वह बोली, मैंने एक भाई तो खो दिया, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कोई कम बहादुर नहीं थे। लेकिन परवेज ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। दूसरे दिन सुबह ही अपनी यात्रा पर निकल जाने की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरे दिन रवाना होने से पहले परिजात रोप कर बोली, बड़े भैया तो अपनी कुशलता जानने की राह भी बताकर गए थे,
तुम्हारा हाल मुझे कैसे मालूम होगा? परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो परीजाद, इसके सारे मोती अलग अलग हैं। इसे उंगलियों पर चलाने पर एक एक मोती उंगली में आता है। जब तक यह मोती ऐसे ही रहे तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूँ। जिस दिन एक दूसरे से यह मोती चिपक जाए और माला ना फेरी जाए तो समझ लेना कि मैं भी दुनिया में नहीं रहा। ऐसा कहकर परवेज निकल पड़ा। 20 दिन की यात्रा के बाद वह भी वहीं पहुंच गया जहां वहां सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदर पूर्वक सिद्ध को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं मुझे बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सोने का पानी कहाँ मिल सकता है? तपस्वी ने कहा, बेटा वह रहा तो बहुत खतरनाक है। तुम वहाँ जाने का इरादा ना करो और यहीं से वापस लौट जाओ। वहाँ से अभी तक जितने भी लोग गए हैं, आज तक कोई वापस नहीं आया। 1 महीने से भी कम हुआ है। तुम्हारी शक्लो सूरत का एक नौजवान मेरे राख रोकने पर भी उधर गया था, वह भी लौटकर नहीं आया। परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था और यह जो मुझे मालूम है कि अब वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा, किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे मार डाला। तब सिद्ध तपस्वी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद भी उस राह पर गए और काले पत्थर बनकर वहीं रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर यहाँ हमेशा पड़े रहोगे। परवेज ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, लेकिन मैं आगे पांव बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताएं। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं जा नहीं सकूंगा। तुम जिद करते हो तो जाओ, ये गेंद लो, इसे जमीन पर रखोगे तो यह अपने आप तुम्हें पता बता देगी और इसके सीध में तुम चलते जाना और यह सब चीजों का पता बताएगी। परवेश सिद्ध को माथा नबाकर सवार होकर चल दिया। गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर गेंद रुक गई। प्रवेश घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। 2-4 कदम ही चढ़ा होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा था, अबे ओ बदमाश, बदतमीज, कहाँ बढ़ा जा रहा है, रुक जा कमख्त, तुझे सजा देता हूँ। परवेज को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियाँ सुनी तो उसका खून खोल उठा। वह तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया। उसने मैयान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दूं। किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का निजो बदल गया और उसका घोड़ा भी। यही हाल हुआ परवेज का जाने के बाद। परवेज के जाने के बाद परिजात बहमन की यात्रा के समय से भी अधिक ज्यादा चिंता में रहती थी। वह बहमन के दिए खंजर को तो कभी कभी देखती थी, किंतु परवेश की दी हुई माला को अपने गले में ही डाले रखती थी। हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेरकर उनकी दशा देखती रहती थी। ज्यों ज्यों परवेश काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके कुछ ही देर बाद परिजात को उसकी मृत्यु का हाल मालूम हो गया। क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से चिपक गए कि माला फेरना असंभव था। परिजात उस समय तो दुख के कारण अचेत हो गई, किंतु जब होश आने पर उसने फैसला किया कि दोनों भाइयों को मौत के मुंह में भेजने के बाद अब इस जीवन का उसके का कोई अर्थ नहीं है। उसने भी घोड़सवारी और शस्त्र चालन की शिक्षा ली थी। उसने में भी साहस की कमी नहीं थी। उसने मर्दाने कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार हो गई। उसने अपने घर के प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वापस ना आ जाए वह खुद महल की देखभाल करें। और किसी प्रबंधक की कमी ना हो पाए,
20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची। उसने प्रणाम करके बोली, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताएं, बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। उस बूढ़े ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं, किंतु लग तो तुम स्त्री जैसी रही हो। तुम्हारी आवाज बता रही है मुझे मालूम है ये चीजें कहाँ मिलेंगी, लेकिन तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो। परीजात बोली, जब मैंने उनके बारे में सुना है तभी से मैं उन्हें पाने की इच्छा रखती हूँ। तपस्वी ने कहा, है तो वे चीजें संग्रहित करने के लिए ही और उन्हें प्राप्त करने का मार्ग, लेकिन बहुत खतरे वाला है। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे हैं। तुम घर लौट जाओ। परीजात बोली, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर तो मैं यहाँ पहुँची हूँ और अब तो यहाँ से यूं ही वापस नहीं जा सकती। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं, ताकि मैं उनसे निपटने का उपाय ढूंढ सकूं। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझकर आगे बढ़ूंगी तो हर तरह के खतरे का सामना कर सकूंगी। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध तपस्वी ने परिजात को वे सारी बातें बताई जो उसने बहमन और परवेज को बताई थी। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ की चोटी पर ना पहुंच जाए। फिर तुमसे तुम्हें बातें करने वाली चिड़िया मिलेगी और वह तुम्हें गाने वाला पेड़ और सुनहरे पानी के स्थानों के बारे में बताएगी, लेकिन पहाड़ चढ़ने के समय अप्रिय और कटु शब्द सुनाई देंगे। वे काले पत्थर जो बने हुए हैं, वे आदमी हैं, उन तीनों चीजों की खोज में यहाँ आए थे, किंतु गालियाँ और धमकियों से डरकर वे अपने क्रोध को काबू नहीं कर सके और पीछे देखते ही काले पत्थर की शिला बन गए। परिजात ने कहा, मतलब ये है कि केवल शब्द और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर कोई पीछे मुड़कर ना देखे। सिद्ध पिता, आप विश्वास करें, यदि मैं स्त्री हूँ तो भी सुने हुए किसी शब्द से विचलित नहीं होंगी। मैं ना तो उन आवाजों से भयभीत होंगी और ना ही उन पर क्रोध करूंगी। मैं पूरा आत्मा संयम रखूंगी। इसके अलावा मैं अपने दोनों कानों में कसकर रुई ठोस लूंगी, ताकि मुझे उनकी आवाजें सुनाई ही ना दे। सिद्ध बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मालूम होता है कि तुम्हारे भाग्य में ही लिखा उन तीनों को पाना। इतने लोग घमा गए हैं, किंतु यह उपाय किसी को अभी तक नहीं सूझा। बस सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वे आदमी पर उनकी बातों का असर अब मन पर ना पड़ने दे। परिजात ने कहा, विश्वास रखिए सिद्ध पुरुष, मैं आपकी दी हुई सलाह पूरी तरह मानूंगी। अब आप ये बता दीजिए कि पहाड़ को कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम बहुत होशियार हो, बहुत मुझे मालूम है लगता है, लेकिन मैं एक बार फिर भी तुम्हें सलाह देता हूँ कि घर लौट जाओ। परिजात आगे जाने की जिद पर अड़ी रही तो बूढ़े ने मजबूर होकर अन्य लोगों की तरह उसे भी मार्ग प्रदर्शन करने वाली गेंद दे दी और कहा, बेटी, इसे भूमि पर डाल दो, यह अपने आप लुढ़कती हुई पहाड़ के नीचे जाकर रुक जाएगी। तुम वहीं घोड़े से उतरना और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करना। परिजात ने वह गेंद लुढ़काई तो वह गेंद चलते चलते पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। अब परिजा धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके पीछे आवाजें होने लगी, किंतु कानों में रुई ठुसी हुई होने के कारण उसे सुनाई नहीं दी। वह बढ़ती गई, फिर पीछे से आने वाली आवाजें और तेज हुई, यह आवाजें भी उसे धीमी सुनाई दी और उसने अपने मस्तिष्क को बिल्कुल भी विचलित नहीं होने दिया। फिर उसे गालियां सुनने को मिली, जो स्त्रियों के लिए होती हैं, बड़ी अपमानजनक होती थी गालियां। परिजात को एक क्षण तो बुरा लगा, किंतु फिर भी वह उन गालियों पर हंस पड़ी। इस तरह उस भयानक चढ़ाई को दृढ़ता और से उसने पूरी कर लिया।
और उसके शिखर पर पहुंच गई। शिखर पर पहुंची तो देखा एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। परिजात को देखते ही वह सिंह की तरह गरज कर बोली, ए लड़की खबरदार, मेरे पास नहीं आना। परिजात इस पर हंसने लगी और दौड़कर चोटी पर पहुंच गई। वहां भूमि थी। उसने दौड़कर चिड़िया का पिंजरा अपने हाथ में रखा और बोली, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरे कब्जे में रहोगी। फिर उसके कानों की रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं सदैव तुम्हारी सेवा और हित की साधना करती रहूंगी। मैं पिंजरे में बंद रहती हूँ, इसलिए संसार की कोई बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारा हाल इतना जानती हूँ जितना तुम भी नहीं जानती होंगी। मेरे कारण तुम्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हुई और मैं तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। इस समय तुम बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। मैं बगैर ना नुकुर के उसे पूरा करूंगी। चिड़िया की बातों से परिजात को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपने भाइयों के विनाश का बड़ा दुख भी था। उसने चिड़िया से कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है। सबसे पहले ये बताओ, मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो बताया, मार्ग बताया, उस पर चलकर परिजा सुनहरे पानी के कुंड तक पहुँची और एक चांदी की सुराही में उसे अपने साथ ले गई। अच्छी तरह पानी भर कर ले आई। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा तो चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर एक बड़ा सा जंगल है। ये जंगल बहुत दूर नहीं है, उसी में गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा पेड़ है, क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। परिजात ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे। चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ एक टहनी तोड़ कर ले आओ। जब तुम अपनी वाटिका की भूमि में उसे लगाओगी तो वो कुछ ही समय में पूरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखने वाले हैरान हो कि एक ही दिन में एक भरा पूरा पेड़ कैसे आ गया। परिजात चिड़िया के बताए रास्ते पर चलकर जंगल में गई और वहाँ से गाने वाला पेड़ की टहनी तोड़ लाई। वह बहुत प्रसन्न थी, तीनों चीजें मिल गई। फिर भी उसने अपने भाइयों का ख्याल उसके दिमाग में बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, यहाँ आने की राह में मेरे दोनों भाई काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या ये संभव है कि मैं उन्हें फिर से जीवित करूं। मैं तो यह नहीं पहचानती कि उन पत्थरों में से कौन से मेरे भाई हैं। चिड़िया ने कहा, तुम ये करो कि सुराही में से जो सुनहरा पानी लाई हो उसकी एक एक बूंद सारे शिलाखंडों पर डाल दो। वे सभी लोग अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे और उनके घोड़े भी, उन्हीं में से तुम्हारे जो भाई होंगे वे भी फिर से जीवित हो जाएंगे और उन्हें तुम पहचान लेना। सहजादी चिड़िया की बात सुनकर प्रसन्न हो गई और पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहाँ भी काले पत्थर दिखाई दिए उसने उन पर एक एक बूंद जल छिड़क दिया। सारे पत्थर आदमी बन गए, उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। इन लोगों में बेमन और परवेज भी थे जो अपने अपने घोड़ों के साथ जिंदा हो उठे। परिजात दोनों भाइयों को पहचानकर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था। उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सो रहे थे और अभी अभी सो कर उठे हैं। परिजात ने कहा, तुम्हें कुछ याद है, तुम लोग मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आए थे और यहाँ आकर अपने काम को और मेरी याद को भूलकर सोने में लगे रहे। दोनों भाई अचकचाकर उसे देखने लगे तो उसने कहा, महानुभावों, तुम लोग सो नहीं रहे थे, तुम काले पत्थर की चट्टान बनकर पड़े हुए थे। तुमने आते समय बहुत सी काली चट्टानें देखी होंगी, अब देखो उनमें से कोई मौजूद नहीं है। यहाँ ये सब लोग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह वही चट्टानें बने हुए थे
तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम सब के सब जी कैसे उठे जब मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई। तो इनके मिलने से भी तुम्हारे बगैर मुझे बुरा लग रहा था। मैंने अपनी इसी चिड़िया से पूछा, क्या करूं? तो उसने कहा कि सुनहरे पानी की एक एक बूंद सभी चट्टानों पर डालकर उन्हें फिर से जीवित कर लो। मैंने इस समय यही किया है। ये सुनकर बहमन और प्रवेश तो धन्य धन्य करी उठे। अन्य लोग भी कहने लगे, तुमने हमें जीवन दान दिया है, हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। परिजात बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी, उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो ये तो खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए प्रस्थान करो। जब वह घोड़े पर चढ़ी तो बहमन ने चाहा कि पिंजड़ा और आदि सारी चीजें अपने घोड़े पर ला दे ताकि परिजात को बोझ हल्का हो। परिजात ने कहा, चिड़िया की मालिक तो मैं हूँ, वह मेरे पास रहेगी। तुम लोग चाहो तो एक टहनी और दूसरा पानी की सुराही ले लो। इसलिए बहमन ने टहनी और परवेज ने सुनहरे पानी की सुराही ले ली। फिर अन्य जो लोग जीवित हुए थे वे भी अपने अपने घोड़े पर बैठे और सभी चलने को तैयार हुए, क्योंकि काफी दूर तक सभी का एक ही रास्ता था। परिजात ने कहा, तुम लोगों को जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, सुंदरी तुमसे श्रेष्ठ कौन होगा, तुम हमारी जीवन दायिनी हो, तुम्हें आगे चलो। परिजात शालीनता से बोली, मैं अवस्था में सबसे छोटी हूँ और किसी प्रकार भी दल की नेत्री बनने के योग्य नहीं हूँ, किंतु तुम लोग विवश कर रहे हो तो तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं दल के आगे चलती हूँ। ये दल आगे बढ़ा। सभी लोग उस सिद्ध के दर्शन करना चाहते थे जिसने सभी को राह बताई थी, किंतु जब ये दल उसकी कुटिया पर आया तो उसका कुछ पता नहीं पाया। मालूम नहीं वह काल कल्वित हो गया था या वहाँ पर तीन अद्भुत वस्तुओं की राह बताने के लिए एक वही मौजूद था और उन चीजों के नहीं रहने पर वह गायब हो गया। सब लोगों को इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। अंतिम बार उसे धन्यवाद भी नहीं दे सके। और ये दल आगे बढ़ गया। हर आदमी जहाँ जहाँ से मार्ग अलग होता गया वहाँ वहाँ से परिजात के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके चला गया। ये तीनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर आ गए। मकान की जो चार दीवारी के सामने जो बाग का हिस्सा था उसमें परिजात ने बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास बीसियों तरह के पक्षी जमा हो गए। उसके स्वर में स्वर मिलाकर बोलने लगे। उसी जगह थोड़ी दूरी पर परिजात ने गाने वाले वृक्ष की टहनी जमीन में रोप दी। कुछ देर में बढ़ते बढ़ते वह पूरा पेड़ हो गई और हवा चलने पर पत्तों की रगड़ से उसमें से संगीत उठने लगा जैसे मूल वृक्ष से उठ रहा था। परिजात ने कारीगरों को बुलवाकर एक संग ही पानी बढ़ने लगा और बर्तन उससे भर गया। फिर उसमें से एक 20 हाथ ऊंचा फवारा उठा और उस फवारे का पानी फिर आकर बर्तन में गिरता गया। इस तरह बर्तन में पानी की कमी नहीं होती थी और पानी बाहर भी नहीं बहता था। 2-4 दिन ही में बाग बागों का जो दरोगा के महल की इन सब चीजों की चर्चा सारे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए परिजात के बाग में आने लगे। परिजात ने शहर के लिए आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई थी। इस पर ये तीनों भाई बहन नगर में सर्वप्रिय हो गए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बहमन और परवेज ने पहले की तरह मृगया का मनोरंजन शुरू किया। वे अपने घिरे हुए जंगल के बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाने लगे। वह रोज वे शहर से लगभग 1 कोश की दूरी पर स्थित एक जंगल में शिकार खेल रहे थे। सहयोग से उसी समय बादशाह भी वहाँ शिकार खेलने आया हुआ था। इन दोनों को देखकर चाहा कि शाही फौजियों की निगाह बचाकर निकल जाएं, क्योंकि वह जंगल शाही शिकार गहा था।
लेकिन दोनों बच नहीं सके और उनके चक्कर में ऐसे रास्ते में पड़ गए जहां से होकर बादशाह की सवारी आ रही थी। ये देखकर उन्होंने चाहा कि बगल में किसी रास्ते से निकल जाएंगे, ये भी संभव नहीं हुआ और वे बादशाह के सामने पड़ गए। मजबूरी में वे घोड़ों से उतरे और बादशाह को झुककर सलाम करने लगे। पहले बादशाह ने समझा कि वे उनके सामंतों में से हैं, देखने को ठहर गया कि कौन है। उसने उन्हें उठाने की आज्ञा दे दी और वे उठे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह उनकी सूरतें देखकर ठगासा रह गया। फिर उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, हम लोग आपके भूतपूर्व बागों के दर योग के पुत्र हैं। हमारे पिता नहीं रहे, हम जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो मेरे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वह इसलिए अच्छे वातावरण में रखते थे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा करें। बादशाह ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं, ये सब शाही शिकारगाह है, यहाँ और कोई शिकार नहीं खेल सकता। बहमन ने निवेदन किया, हमारे पिता की यह समय मौत हो गई, हमारा निर्देशक कोई नहीं रहा, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। बादशाह उनकी इस चतुराई पर मुस्कुरा उठा। फिर उसने पूछा, शिकार खेलना आता भी है? दोनों ने कहा कि आप अवसर तो दें हमें और देखें फिर हमें कितना शिकार खेलना आता है। बादशाह ने कहा, शिकार खेलकर दिखलाओ। जंगल में पहुँचे तो बहमन ने एक शेर और परवेज ने एक रीछ को बर्छियों से मारकर बादशाह के आगे रख दिया। दोबारा घने जंगल में जाकर बहमन ने एक रीछ और परवेज ने एक शेर को मारकर बादशाह से कहा। बादशाह ने कहा, बस करो, क्या सारे जंगली जानवर आज ही मार डालोगे? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था तुम लोगों में कितना शौर्य है। बादशाह उनके शिष्टाचार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से बहुत ही प्रभावित हुआ। वह उन्हें अपने से अलग करना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे यहाँ मेरे साथ महल में चलो, मेरे साथ भोजन करो। बहमन ने कहा, हजूर, इस समय आपका साथ नहीं कर सकेंगे, इस उदंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बहम क्यों? तो बहमन बोला, हमारी एक बहन है, हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह से करते हैं। हम बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकेंगे। बादशाह ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से सलाह करके कल ही शिकार खेलने आना और मुझे बताना तुम लोगों की क्या सलाह हुई है। बहमन और परवेज बादशाह से विदा होकर अपने घर आए और उन्हें बादशाह की कही हुई बात याद नहीं रही, भूल गए और उन्होंने अपनी बहन से कोई सलाह नहीं ली। दूसरे रोज वह शिकार खेलने गए तो बादशाह ने पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह लिया नहीं? अब वे दोनों घबरा गए और यह कि दोनों के मन में शिकार का ऐसा रमा था कि उन्हें शिकार के अलावा कुछ याद ही नहीं रहा, वे हर बात भूल जाते थे। बादशाह ने पूछा तो वे दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर में बहमन ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई, अपनी बहन से सलाह लेना बिल्कुल भूल गए। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, आज पूछ लेना, कल आकर मुझे बताना। लेकिन दोनों भाई उस दिन भी भूल गए और तीसरे दिन फिर उसके सामने लज्जित होकर कहा कि हम लोग आज भी आपकी आज्ञा का पालन करना भूल गए। बादशाह इस बार भी नाराज नहीं हुआ कि मैं इन लोगों के साथ भोजन कर इनका सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ और इन्हें इतनी भी परवाह नहीं कि ये बहन को याद करके मेरे निमंत्रण की बात करे। लेकिन उसने बहमन को सोने की तीन गेंदी दी और कहा कि इन्हें कमर में बांध लो, पटके
कमर का जो पटका उसमें बांध लो, जब कमर से खोलोगे तो पटके से गेंद जमीन पर गिरेंगी, उस समय तुम्हें याद आ जाएगा मेरे निमंत्रण के बारे में। तो मैं अपनी बहन से सलाह लेनी है। इतनी बातचीत होने पर दोनों भाई जो गेंदों को बांधकर अपने घर चले गए, लेकिन इस बात भी वह भूल गए। लेकिन रात को सोने जाते समय बहमन ने कमर बंद खोला तो गंदे जमीन पर गिरी और वह फौरन अपनी बहन के पास गया और परवेज को भी ले गया। परिजाद अभी अपने शयन कक्ष में गई नहीं थी, दोनों भाइयों ने उसे बताया बादशाह ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और यह भी कहा है कि दो दिन तक तुम्हें जो सलाह लेना भूलते रहे हो। उसने कहा कि ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, किंतु तुमने ये बहुत बुरा किया कि दो दिन तक बादशाह तक की कही हुई बात को तुम भूल गए। भला बताओ, ये जब मुझसे इस बात में इतना बुरा लग रहा है तो समझो बादशाह को कितना दुख हुआ होगा। वैसे तो तुम्हें बादशाह का निमंत्रण मिलते ही उसे सह धन्यवाद स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन जब इतनी बात हो ही गई तो मैं बोलती हूँ चिड़िया से कि वो सलाह ले लूं। और फिर वो चिड़िया का पिंजरा अपने कक्ष में ले गई और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें पता होती हैं, तुमसे तो सारी बातें छुपी हुई बातों का भी तुम पता लगा लेती हो। तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है, तुम मुझे एक सलाह लेनी है। मेरे भाइयों को बादशाह ने अपने साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया है। वो दो दिन तक ये बात भूल जाते थे और आज ही उन्होंने यह बात मुझे बताई है कि तुम्हारी इसमें क्या राय है। अब उनका जाना मुनासिब है, बादशाह कहीं नाराज तो नहीं होंगे। चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को बादशाह की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। वे अपने राज्य काल में सभी का मालिक होता है, उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं, लेकिन इसके बाद ये भी जरूरी है कि बादशाह को अपने घर आकर भोजन करने के लिए निमंत्रण देकर आए। परिजाद ने कहा, मैं अब अपने भाइयों को उनके साथ जो उनके कामों के अलावा कहीं जाने नहीं देना चाहती हूँ, मैं उनकी सुरक्षा के लिए डरती हूँ। चिड़िया ने कहा, उन्हें बेखटके भेजो, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। परी ने कहा, अच्छा, जब बादशाह यहाँ आए तो मैं उनके सामने निकलूं या नहीं। चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हर बादशाह अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। परिजाद ने इसके बाद अपने भाइयों से कहा कि तुम बादशाह का निमंत्रण स्वीकार कर लो, लेकिन उसके बाद उससे एक बार यहाँ भोजन करने के लिए भी कहो। दूसरे दिन शिकारगाह में बादशाह ने उससे पूछा, आज तुमने अपनी बहन से पूछा या आज भी भूल गई? बहमन कहने लगा, हम आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते, हमने उससे पूछा तो उसने हमें आपका निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हम दो दिन तक क्यों भूल रहे हैं। बादशाह ने कहा, इसकी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम दोनों दो दिनों तक मेरी बात भूल रहे थे, इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं थी। दोनों भाई ये सुनकर बड़े लज्जित हुए। बादशाह जो इतना कृपालु है, इतना दयावान है, हम उसके प्रति अपने इतने लापरवाह हैं, वे लज्जा के मारे बादशाह से दूर दूर ही रहे। बादशाह ने देखा तो उन्हें अपने पास बुलाकर आश्वासन दिया कि छोटी मोटी भूलों का मैं ख्याल नहीं किया करता, मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं, इतना कृपालु है कि और हम इसके प्रति इतने लापरवाह हैं, वे लज्जा के मारे बादशाह से दूर ही रहे। बादशाह ने ये देखा तो उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह ऐसी छोटी मोटी भूलों का ख्याल नहीं करते, मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। फिर उन्होंने शिकार खत्म किया और महल को वापस आए। उनके साथ बहमन और परवेज भी थे।
बाद में इन दोनों की ऐसी खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी कि इन अजनबियों के प्रति बादशाह इतना दयावान क्यों है। किंतु महल के कर्मचारी और सेवक और अन्य उपस्थित प्रजाजन यानी उन्हें भी इस बात का आश्चर्य था कि इन नव परिचितों का इतना सम्मान हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग रूप और आचार्य व्यवहार से प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थी कि बादशाह ने जिन जिस मलिका को पिंजरे में कैद कर रखा है उसके पेट से बच्चा पैदा होते तो इतने ही बड़े होते। खैर, जब बादशाह महल में आया तो भोजन का समय हो गया। दास दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेज को बैठने का इशारा किया और वे जानते ही नहीं थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाता है। सहाई रीति आदाब बजाकर भोजन के आसन पर बैठने के बजाय वे सीधे अपने आसनों पर डट गए। बादशाह इस पर भी मुस्कुरा उठा। उसने भोजन के दौरान इन बातों दोनों से बातें करके उनकी शिष्टता और ज्ञान की परीक्षा ली, जिसमें वे दोनों अच्छी शिक्षा पाने के कारण पूरे उतरे। बादशाह सोचने लगा, अगर ऐसी कुसागर बुद्धि और वीर सहजादे उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति बादशाह का आकर्षण उनकी भली बात बातों से बढ़ता जा रहा था, किंतु वे भूला करते थे उससे यह आकर्षण कम नहीं होता था। भोजन के बाद बादशाह उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर गया और देर तक उनसे बातें करता रहा। लगता था कि उनकी बातें सुनने से बादशाह का जी नहीं भरा। फिर भी बादशाह ने गायन वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया और रूपसी कलाकार नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न किया। फिर नाट्यकारों ने जो नाटक किए और यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहे। जब वे समाप्त हुए तो संध्या होने लगी थी। अब बहमन और परवेज ने अपने घर जाने की अनुमति मांगी। बादशाह ने कहा, कल तुम फिर मेरे शिकारगाह में मेरे साथ शिकार खेलने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ यहाँ भोजन करना। उन दोनों ने कहा, हुजूर की हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, हम शिकारगाह में जरूर आएंगे, किंतु हमारा निवेदन यह है जब आप शिकार खत्म करें तो हमारी कुटी में आकर और हमारा रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके हमारा भी मान बढ़ाएं। बादशाह तो उनसे अति प्रसन्न था। उसने तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनसे कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत ही बुद्धिमती और व्यवहार कुशल है। तुम्हारी बहन उसका मेहमान बनकर मुझे बड़ी खुशी होगी। बहमन और परवेज घर पहुंचते ही उन्होंने परिजात को बताया कि बादशाह ने सभी के समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया है कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर आएगा और यहाँ भोजन करेगा। उन्होंने कहा, हमने बादशाह को दावत तो दे दी है, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार साध सामान और भोजन का प्रबंध किया जाए। परिजात ने भाइयों के हौसले की प्रशंसा की और कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब प्रबंध रखूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर गई। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो उसने कहा, चिड़िया ने मालकिन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बादशाह आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह श्रेष्ठ होगा, किंतु मेरे कहने से एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीर को गाढ़ा, खीर का गाढ़ा सोरवा बनाओ और वह जिस प्याले में बादशाह के सामने लाया जाए उसमें सोरवे की तरह तरह की अनबिंधे मोती इस तरह बिछे हो जैसे पाक क्रिया के दौरान उस सतह पर आ गए हो। परिजात ने हैरान होकर कहा, ये किस प्रकार का व्यंजन होगा, मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि
कोई व्यक्ति सोर्वे के साथ मोती खा सकता है, बादशाह क्या कहेंगे, फिर अनबिंधे मोती मिलेंगे भी कहाँ से? चिड़िया ने कहा, मालकिन ये बात मैंने सोच समझ कर कही है, तुम इस बारे में बहस मत करो, मेरी यह बात जरूर मान लो, मोती कहाँ मिलेंगे, यह मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ के पास की जमीन को खुदवाना, वहाँ से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मोती मिल जाएंगे। परिजात को चिड़िया पर भरोसा था, उसने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह दो मजदूरों को लेकर वह उस जगह पर गई और उस वृक्ष के नीचे की जमीन खुदवाने लगी। खोदते खोदते एक फावड़ा एक बड़ी सी चीज से टकराया। होशियारी से खोदो मजदूरों, परिजात ने कहा, तो एक सोने का संदूकचा मिला, उसे बाहर लाकर खोला गया तो उसके अंदर ढकने तक अनबिंधे मोती भरे हुए थे। परिजात उन्हें पाकर बहुत खुश हुई, चिड़िया के ज्ञान पर उसका विश्वास और बढ़ गया। वह सोने का संदूकचा उठाकर अपने मकान की ओर चली। बहमन और परवेज को सुबह ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस समय मजदूरों के साथ कहां जा रही है। वह समय दोनों को संदूक चली वापस आते देखकर और भी आश्चर्य में दोनों भाई पड़ गए। उन्होंने कहा, बहन तुम सुबह सुबह कहां गई थी और यह संदूकचा कहां से लाई हो? सुबह जाते समय तो ये संदूकचा तुम्हारे हाथ में नहीं था। परिजात ने कहा, ये लंबी बात है, खड़े खड़े नहीं बताई जा सकती, अंदर चलो तो बताऊंगी। वे लोग उसके साथ घर के अंदर आए तो उसने देखा और कहा, कल मैंने जो चिड़िया बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि बादशाह की खातिरदारी में क्या करना चाहिए, तो उसने सलाह दी और साज सामान और व्यंजन तो ऐसे ही हो ना जो बादशाहों के हो, अमीरों के खाने के होते हैं। लेकिन उसे एक प्याले में खीर का गाढ़ा सोरभा भी दिया जाए जिसकी सतह पर अनबिंधे मोती पड़े हो। मैंने बहुत विरोध करना चाहा कि बादशाह इसे मजाक समझेंगे और गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं माने, अपने सुझाव पर अड़ी रही। वह कहने लगी, यह अजीब बात करने के लिए मैं बहुत सोच समझ कर तुमसे कह रही हूँ और आश्वासन देती हूँ बादशाह नाराज नहीं होंगे, इस सब का नतीजा अच्छा ही निकलेगा, तो जानते हो कि मुझे उसकी बात पर विश्वास है। उसी ने मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी की सलाह से तुम दोनों को, तुम्हारे साथ और भी बीसियों आदमियों को दोबारा जिंदगी पा सके हो, इसलिए मैं उसकी किसी बात को नहीं टाल सकती। उसी की सलाह पर मैंने अपने जंगल के उस पेड़ की खुदाई कराकर मोतियों का डिब्बा लाई हूँ। बहमन और परवेज ये सुनकर चक्कर में पड़ गए और काफी देर तक सोचते रहे। अंत में उन्होंने यही ठीक समझा कि जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए, और वे कहने लगे, बहन परिजात तुम हम दोनों से अधिक बुद्धिमान हो, इसमें भी संदेह नहीं है। वह चिड़िया बहुत सी ऐसी बातें जानती है, जो संसार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता, इसलिए चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए, बादशाह नाराज होगा तो देखा जाएगा। परिजात ने जो बाबरचियों को आदेश दिया कि दोपहर तक राजाओं बादशाह के लायक पूरा भोजन बनाओ, क्या बने ये भी तुम ही तय करो, सिर्फ एक चीज मेरे कहने से बनाना, वो है खीर का गाढ़ा सोरवा जिसकी सतह अनबिंधे मोतियों से पटी पड़ी हो। बावर्चियों ने ये सुनकर कहा, बड़ा ही आश्चर्य प्रकट किया कि खाने की चीजों में साबुत मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, सरकार हमने तो ऐसा खाना कभी देखा नहीं और ना ही कभी सुना है। हंस हंसों के मोती चुगने की बात तो जरूर सुनी है, आदमियों को मोती खाते कभी नहीं सुना। परिजात ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया है, जो कहती हूँ वह करो और जितने मोती बचे हैं वे मेरे पास भेज देना। वे बेचारे चुपचाप चले गए और इधर परिजात ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि
वह शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार हुए और शाही शिकारगाह में पहुंच गए। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने बादशाह के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी और धूप तेज थी, इसलिए उसने उन दिनों में कुल जल्दी ही शिकार खेलना खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेज दिया और बादशाह एक दो आदमियों को लेकर बहमन और परवेज के साथ उनके फेरा। उसके सुंदर रूप को वह देखता ही रह गया। उसे ये देखकर ताजुब सा हो रहा था। परिजात जैसी शक्ल सूरत उसकी वह जो धुंधली स्मृति उभर आई, किंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि इसकी सूरत किससे मिलती है। इसके बाद परिजात बादशाह को भवन के अंदर ले गई। उसने बादशाह को अपने सुंदर और विशाल भवन को हर भाग को दिखाया। बादशाह ने पूरा भवन देखकर कहा, बेटी तुमने अपने महल की सजावट और रखरखाव बहुत अच्छी कर रखी है, अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बड़ी तारीफ कर रहा। परिजात ने उसे वहाँ जिसने भी मौजूद लोग थे एक और का दरवाजा खोला तो हरा भरा बाग दिखाई दिया। बाग में वैसे तो सब कुछ सुंदर था, किंतु बादशाह की नज़र फवारे पर अटक गई। सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। बादशाह ने उसे पास से जाकर देखा, जिसमें ये सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। परिजात उस फवारे के पास गई और बादशाह ने कहा, इसके सुनहरे पानी का होद कहाँ है और किस चीज में ये जोर से फवारा इतना ऊंचा उछलता है। यहाँ तो मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती, कोई होज भी नहीं है। वह अपनी बात पूरी करने से पहले चौंककर एक और देखने लगा। उसे बहुत ही सुमधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने बाग में के अंदर भी गाने बजाने का प्रबंध कर रखा है। तो परिजात कहने लगी कि नहीं, ये शाही गवैयों से भी अच्छी गाती है। परिजात हंस कर बोली, हजूर कोई गवैया नहीं है, यह कोई आदमी नहीं, पेड़ गा रहे हैं। बादशाह की बोहे चढ़ गई। उसने सोचा परिजात हंसी कर रही है, लेकिन परिजात ने कहा, आइए आपको दिखाऊं। ये कहकर वह बादशाह को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। बादशाह हक्का वक्का रह गया। मधुर संगीत वास्तव में पेड़ नहीं, पेड़ ही गा रहे थे। और ये देखकर तो वह बहुत ही हैरान हुआ और उसके जैसे ही वहाँ पर खड़ा होकर वह सुनने लगा। कुछ देर के लिए बादशाह के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वह फटी फटी आंखों से गाने वाले पेड़ को देखता रहा, कभी सुनहरे फवारे को। कुछ ही देर बाद उसने कहा, ये दोनों चीज तो कल्पना के बाहर है, ये पेड़ तुमने कहाँ से पाया। और हाँ, मैं पूछ रहा था, फुवारे का हौज कहाँ है और इतना ऊंचा किस चीज के जोर से उछलता है। परिजात ने कहा, बादशाह इस पानी का होज नहीं है, ना ही किसी नल के द्वारा इसे जोर से उछाल दी जाती है। संगमरमर के हौज के अंदर रखा हुआ जो बर्तन आप देख रहे हैं, उसी में कुल पानी है और उसी से यह उछलता है और वहीं पर लौटकर गिरता है। ये सूखता भी नहीं है, इसलिए कम नहीं होता। जो गाने वाला पेड़ अभी आपने देखा, उसकी भी यही विशेषता है संगीत देने की। इसके पत्ते ऐसे हैं, जब हवा चलने पर आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे अपने आप ही मनोहारी संगीत पैदा होता है। जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो यह वृक्ष चुप रहते हैं। बादशाह ने कहा, ये तो बड़ी अजीब चीजें हैं, इनके जैसी चीजें तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, तुमने इन्हें कहाँ से पाया। परिजात ने कहा, ये चीजें किसी देश में नहीं पाई जाती, मैं इन्हें एक रहस्यमय स्थान से लेकर आई हूँ, लेकिन मेरे वहाँ से आने के बाद वहाँ का रास्ता भी बंद हो गया। फिर परिजात ने बादशाह से कहा, मेरे पास एक अजीब चीज और है, जिसे आप और देख ले। यह एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है, और जब ये गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसकी सुर में सुर मिलाकर गाना गाते हैं। बादशाह ने कहा,
उस चिड़िया को भी दिखाओ। बादशाह ने पहले आंखें तरेर कर चिड़िया को देखने लगा, फिर उसे बीती हुई बातें याद आई तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि ये सारी बातें तो हमें उनकी बहनों ने बताई थी जो मलिका की सगी बहनें थी, क्योंकि वह तो उसकी शुभ चिंतक थी। चिड़ियाने का सरकार से यही तो भूल हुई। आपने उन्हें शुभ चिंतक समझा जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से ब्याही गई हैं और छोटी बहन राज रानी बन गई, तो वे जलमरी दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मलिका ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। मलिका को मृत्यु दंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस नेक मंत्री का जिसके कारण मलिका की जान बच गई। मलिका के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके बादशाह की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को देखिए, पर इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरियों में डालकर बहा दिया था ताकि दूर जाकर डूबकर मर जाएं, किसी को पता ना चले, किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दिवगंत बागों का जो दरोगा था उसने इन तीनों को ही नहर से निकलवा लिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन अपनी संतान की तरह किया और उन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और इसके लिए यह महल बनवाया। सरकार, ये तीनों और कोई नहीं आपकी ही संतान है, ने चिड़िया से कहा। चिड़िया, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं कि दुष्टों की दुष्टता और मलिका की दोषहीनता मेरे सामने स्पष्ट हो गई है। मेरे बच्चों को तूने पहचानवाया है। मैं बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है और उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पाता। चिड़िया ने जो सूचना दी थी वह बादशाह के लिए नहीं, बहमन, परवेज और परिजात के लिए भी नहीं थी। वे तीनों अपनी जगह से उठे और बादशाह के पैरों पर गिर पड़े। बादशाह ने उन सभी को उठाकर अपने सीने से लगाया। चारों की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद जब वे सहज हुए तो सबने मिलकर जो भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब मैं महल में जाता, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम लोगों को मेरे ही नहीं अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना होगा। उसके बाद महल में रहने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। महल में पहुंचकर बादशाह ने मंत्री को बुलवाया और उसने उसकी सुमति की प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारे कारण मलिका की जान बची थी। फिर उसने मलिका की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया, जिसने अपनी शिष्ट और सदाचारी सगी बहन के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचा था और जो दो राजपुत्रों और एक राजपुत्री की लगभग जान ही ले ली थी, उसने आदेश दिया कि उन दोनों को अभी जो वध स्थल पर ले आओ और उनके सिर उड़वा दो। वे किसी प्रकार भी दया की पात्र नहीं है। मंत्री ने बिना देर किए साई हुकुम पर कार्य किया और दोनों दुष्ट बहनों को वही दंड मिल गया जिसकी वे भागी बहुत दिनों से थी। बादशाह ने जामा मस्जिद के सामने उस कैद खाने में गया जहां उसने मलिका को जो इतनी कड़ी सजा दे रखी थी, उसकी दुर्बलता और फटे पुराने वस्त्र देखकर बादशाह से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मलिका को बताया कि मैंने तुम्हें दंड दिया, उसका कारण तुम्हारी बहनें थी जिन्हें तुम्हें ने और मैंने तुम्हारा शुभ चिंतक समझा था। उसने बताया कि मैंने दोनों को मरवा दिया है। उसने ये भी कहा कि ये सब मुझे एक जो अलौकिक चिड़िया जो बोलने वाली है उससे पता चला है। मलिका ये सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बादशाह ने उसे महल में लाया और उसे हमाम में किया और शाही पोशाक पहनाई। रात भर मेल में हंसी खुशी रही। सुबह बादशाह ने मलिका को बताया कि भगवान की दया से तुम्हारे दोनों बेटे और बेटी जिंदा है और बड़े आराम से हैं। तुम चलकर उनसे मिलो। ये खबर सारे राज्य में फैल गई।
और सभी लोग उत्सव सा मनाने लगे। हर जगह नाच गाने होने लगे। मलिका बादशाह के साथ इन लोगों के साथ महल में गई। तीनों बच्चे अपनी माँ से देर तक चिपटे रहे। फिर सबने मिलकर भोजन। ये खबर सारे राज्य में फैल गई। सभी लोग उत्सव सा मनाने लगे। हर जगह नाच गाने होने लगे। मलिका बादशाह के साथ उन लोगों के महल में गई। तीनों बच्चे अपनी माँ से देर तक चिपटे रहे। फिर सबने मिलकर भोजन किया। उसके बाद बादशाह और तीनों संतानों ने मलिका को गाने वाला पेड़, सुनहरे जल का फवारा और मनुष्यों की तरह बोलने वाली चिड़िया दिखाई। मलिका को मालूम हो रहा था कि जैसे वह स्वप्न देख रही है, उन लोगों के निवास स्थान से शाही महल तक आने वाली सवारी को देखने के लिए सड़कों पर जबरदस्त भीड़ हो गई। बादशाह ने सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया। कई दिनों तक उत्सव होते रहे। बादशाह ने इतना दान दिया कि उन लोगों के शहर में कोई भी निर्धन नहीं रहा। बादशाह ने इसी अवसर पर बहमन को युवराज घोषित किया और उसने अपने हाथों से सारा राज्य प्रबंध दे दिया। परवेज ने उसे सेना का जो अधिपति बना दिया। परवेज को और परिजात को अपने एक बड़े मित्र बादशाह के एकमात्र जो राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।